आज हम आए चंडीगढ़, जहां पर पंजाब की सबसे बड़ी फिल्म सिटी हितेश लकी वर्मा फिल्म सिटी लॉन्च होने जा रही है, जिसके ऑनर हैं हितेश। और आज इस फिल्म सिटी का जो है इनॉग्रेशन है, तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ धमाल होने जा रहा है इस इवेंट में। पंजाब के मोहाली में पहली बार फिल्म सिटी का उद्घाटन किया गया। यह एक ऐसी फिल्म सिटी है जहां आने के बाद पंजाबी कलाकारों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म सिटी का नाम है HLV फिल्म सिटी। इस फिल्म सिटी की पंजाब को बेहद जरूरत थी, क्योंकि अब तक सभी कलाकार पंजाब से बाहर जाकर ही फिल्म या गानों की शूटिंग किया करते थे। वहीं इस फिल्म सिटी को बनाने वाले श्री हितेश लकी वर्मा एक उभरते हुए युवा आइकन है, जिन्होंने HLV फिल्म सिटी की परिकल्पना की, जो अपने सिनेमाई जादू से सभी को मदहोश करने का दावा करती है। अमेरिका से अभी लौटे होने के बाद उन्होंने बेशक पंजाब के नौजवानों के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देने की जरूरत महसूस की। 9 जनवरी 2023 को इस फिल्म सिटी का उद्घाटन CM भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने किया। इस फिल्म सिटी का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें कई फिल्मी कलाकारों ने शिरकत की, जिसमें बॉलीवुड सिंगर एंड डांसर यूलिया वेंटूर, पंजाबी सिंगर रोशन प्रिंस, एक्ट्रेस श्रुति सेठ जैसे कलाकारों ने आकर इस इवेंट में चार चांद लगा दिए। यह फिल्म सिटी 1 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और शहरी सुविधा और ग्रामीण आकर्षण का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। HLV फिल्म सिटी के अद्भुत रूप से तैयार किया गया माध्यम HLV फिल्म सिटी कई प्रकार की थीम और सेट प्रदान करता है, जिसमें फिल्म निर्माताओं को फिल्म की कोई भी शैली बनाने की अनुमति मिलती है जिसकी वे कल्पना कर सकते हैं। मैक्सिकन, वाइल्ड वेस्ट, यूरोपियन, दुबई, चाइना टाउन, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन सहित कई तरह के थीम विकसित किए गए हैं। हवाई जहाज, हैंगर, जिला सत्र न्यायालय, गैरेज और बहुत कुछ। इतना ही नहीं, बल्कि कुशलता से तैयार किए गए सेट और थीम विभिन्न फिल्म शैलियों जैसे कि ऐतिहासिक, कई प्रकार के सेट यहाँ HLV फिल्म सिटी में तैयार किए गए हैं। इस फिल्म सिटी का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कई विदेशी कलाकारों ने आकर इस इवेंट में अपनी डांस परफॉर्मेंस और सिंगिंग से इस इवेंट में चार चांद लगाए। बाकी पूरी फिल्म सिटी हम घूम चुके हैं, एक एक सेटअप देख के लग ही नहीं रहा कि वो रियल है या नकली है, इतनी खूबसूरत आपने बनाई है, क्या कहना चाहेंगे? This was needed, much needed for the industry, because मैं अपने फ्रेंड्स हैं मेरे फिल्म इंडस्ट्री में, जब मैं उनको शूट पर जाते हुए देखता था, उनका एक दिन में शूट नहीं खत्म हो रहा, दो दिन में नहीं खत्म हो रहा। अभी हमने लास्ट वीक एक मूवी का शूट यहाँ पे करवाया है, एक पुलिस स्टेशन का शॉट था, विच कुड हैव टुक अ डे और मे बी टू, वो 1 घंटे में खत्म हुआ है। तो उनकी इक्वेशन ये सॉल्व हो रही है यहाँ पे आके कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कुछ लाना नहीं पड़ रहा, कोई फूड नहीं आ रहा उनके बाहर से, कोई जेनसेट्स नहीं आ रहे उनके बाहर से, कोई वैनिटी नहीं आ रही बाहर से। ऑल दे हैव टू डू इज ब्रिंग देयर क्रू, कैमरामैन, DOP, आर्टिस्ट एंड देयर गुड टू गो। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी सर, इतनी बड़ी खूबसूरत तो आपने फिल्म सिटी बनाई है, तो कितने टाइम में बनकर तैयार हुई है? इसमें प्लानिंग प्रोसेस वाज मच मोर देन एग्जीक्यूशन। हमारा प्लानिंग प्रोसेस वाज 1.5 ईयर्स कि इसको राइटली करने के लिए हमें 1.5 साल लगा सोचने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 6 ही महीने लगे हैं। मतलब इतना इजी है ये, 6 मंथ्स में हमने सारे सेट बनाए। अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊँ 6 मंथ्स पुरानी, एक भी सेट नहीं था यहाँ पे। तो अभी जितने सेट्स हमारे 66 ब्लॉक्स रेडी हुए हैं, तो 6 मंथ्स में हुए हैं। सर, इतने खूबसूरत सेटअप को बनाने में लागत अब तक कितनी लग चुकी है? बट ये है कि काफी जो पंजाब के जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो आपसे बड़े खुश होंगे कि अब उनको बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जो सारा सेटअप है उनको पंजाब के अंदर मोहाली में ही मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, वो खुश हैं, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इतना अच्छा बूस्ट मिलेगा। लॉन्च से पहले हम शूट कर चुके हैं, कल शूट बुक किए हैं, परसों, मतलब हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि हम इतनी इंक्वायरीज हैंडल कैसे करेंगे। वी आर हायरिंग डे एंड डे, हमें स्टाफ चाहिए, मतलब वी आर मोर देन बूस्टेड फॉर द फेज 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, पंजाब की जो CM है भगवंत मान जी, उनकी वाइफ ने भी यहाँ पे विजिट किया है, उनको भी काफी सुंदर लगा है, एक एक सेटअप वो अपने आप से देख कर गई हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या ब्लेसिंग थी उन्होंने आपके लिए? शी वॉन्टेड टू विजिट पर्सनली दिस प्लेस, कि पंजाब में ये
इतनी जल्दी कैसे कर दिया है ना, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये पंजाब पंजाबियों ने किया है. सो उनकी फैमिली पूरी विजिटेड द प्लेस, तो आई वुड से दिस इज़ गुड. वो खुद भी हेल्प कर रहे हैं हमें, हमें रोज़ कॉल आती है यू नीड एनी थिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, टेल अस हाउ वी हाउ कैन वी डू दिस. आई वुड से थैंक यू ऑल टू द गवर्नमेंट. थैंक यू. पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को एंड कोर्स टू चंडीगढ़ एंड कूडोज टू HLV फिल्म सिटी. आई थिंक हम सबको ऐसी और जगहों की ज़रूरत है फॉर ऑल द वेरियस इंडस्ट्रीज अराउंड द कंट्री टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट गुड कंटेंट. एंड मुझे अफसोस है कि मैं दिन में नहीं देख पाई, बट आई वुड लव टू कम बैक एंड सी व्हाट ऑल HLV फिल्म सिटी हैज़ टू ऑफर. अरे सेल्फी यार, फ्रेम में आ रही है, एक सेकंड रुको ना. चलो सॉरी मैम. आस्क आस्क भाई, हो गया. पूछो 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 दूसरा पूछो. मैम क्या कहना चाहेंगी बाकी फिर अभी तक हम लोग मुंबई और मतलब हैदराबाद की फिल्म सिटी में शूट करें, लेकिन चंडीगढ़ ने फाइनली आई थिंक वैसे पंजाबी फिल्म्स तो बहुत 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 पॉपुलर हैं, नॉट ओनली डोमेस्टिक लेकिन ऑल्सो इंटरनेशनली. दे हैव क्रेजी व्यूअरशिप एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल द पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स टू हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन दैट नाउ दे कैन शेयर विद द रेस्ट ऑफ अस. एंड आई होप कि हम बम्बई वालों को मौका मिले यहाँ पर आकर शूट करने का. मैम आप घूमे फिल्म सिटी? नहीं अब तक तो मौका नहीं मिला, सिर्फ रात में देखा और यहाँ बड़ी ठंड है. तो नहीं, मौका नहीं चाहिए अपनी चाहिए उसमें कैमरा कैमरा मिल गया. मैम आपको मतलब आप जब आपने एंट्री ली होगी तो हाँ तो आते हैं. सबसे पहले तो आते ही मैंने पुलिस स्टेशन देखा, तो मैंने कहा ये कहीं गलत जगह तो नहीं लेके जा रहे मुझे, तो थोड़ा सा डर लगा. लेकिन देखा अच्छा सामने ही कोर्ट है, तो अगर प्रॉब्लम भी होगी यहाँ पर कोई है बचाने के लिए. जी हाँ बिल्कुल. एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, इन सबसे हटकर आप सदा बाहर है, मतलब जैसे आपको 15-20 साल पहले देखा था, आप एज इट इज़ वैसे इसका राज क्या है? अगर मैं बता दूंगी तो फिर राज नहीं रहेगा. आई थिंक इट वुड जस्ट बी लॉट ऑफ लव फ्रॉम एवरी वन हु हैज़ एवर वॉच्ड एनी ऑफ द वर्क आई डन. आई थिंक उनका प्यार मुझे सदा बाहर रखता है, सो प्लीज़ आई लाइक अ लॉट मोर ऑफ दैट फॉर ऑल द इयर्स टू कम. तो बिग स्क्रीन पे आपको कब देख रहे हैं हम? एक्चुअली अगले साल मेरी इस साल एक्चुअली शायद जुलाई के बाद मेरी एक फिल्म आएगी. मैं उसके बारे में इस वक्त ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बट होपफुली लेटर दिस ईयर. अच्छा OTT के बारे में आपका क्या कहना है मैम? OTT आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग OTT को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिनेमा पीछे होता जा रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होने की कोई गुंजाइश है, बिकॉज फिल्में मतलब करोड़ों सालों से चली आ रही हैं एंड फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद OTT आया, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक ऑडियंस होती है, सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. सो आई डोंट थिंक किसी का किसी दूसरे पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वैसे. एंड आई थिंक OTT हैज़ गिवन फिल्म्स यू नो अ वाइडर ऑडियंस, क्योंकि जो लोग थिएटर्स नहीं एक्सेस कर पाते उन्हें वो फिल्में इंजॉय करने का मौका अब अपने घरों में अपने मोबाइल फ़ोन्स पर मिलता है.
सो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट ऑल दीज इंडस्ट्रीज कैन कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट। तो आपने देखा कि HLV फिल्म सिटी की शानदार लॉन्चिंग में कई सारे सेलिब्रिटीज ने यहाँ शिरकत की है, जिसमें से सलमान खान की जो गर्लफ्रेंड है लूलिया वेंटूर, उन्होंने यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने सिंगिंग की है, डांसिंग की है। एक्ट्रेस श्रुति सेठिया ने भी यहाँ पे शिरकत की है। सिंगर जो पंजाबी सिंगर है रोशन प्रीत, उन्होंने यहाँ पे आके अपने फ्रेंड को जो है भरोसा जो और बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने इतनी शानदार जो फिल्म सिटी लॉन्च की है। कमाल खान ने यहाँ पे आके शिरकत की है। इसके साथ ही पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान जी, उनकी धर्मपत्नी ने आके यहाँ के जो ऑनर हैं हितेश जी का जो भरोसा है वो और भी बढ़ाया है, उन्हें गर्व दिलाया है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत पंजाब के मोहाली में जो फिल्म सिटी लॉन्च की है, ताकि जो जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो एक्टर हो, उनको फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर ना जाना पड़े।